एससीओ समिट में बोले पीएम मोदी, सुरक्षा विकास संप्रभुता का सम्मान हमारी अध्यक्षता की थीम। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर में जनसभा संबोधित करेंगे। शरद पवार ने अजीत पवार को दी चेतावनी, मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो यूज ना करें। बीजेपी ने कई राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे से राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की मुलाकात 6 जुलाई को संभव। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में सचिन पायलट से की मुलाकात। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, मुंबई आगरा हाईवे पर 3 गाड़ियों की कंटेनर से हुई टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट को मिल सकते हैं वित्त और सहकारिता विभाग। दिल्ली के सुभाष पैलेस में लूट की कोशिश नाकाम होने पर अकाउंटेंट को मारी गोली। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष तुमन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। लद्दाख में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई। कमर्शियल LPG के बढ़े दाम, अब 1780 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। खालिस्तानी आतंकियों का नया बेस बन रहा पुर्तगाल, ISI मुहैया करा रही हथियार और फंडिंग। ईरान आधिकारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन में हुआ शामिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज इंडिया से।